हैदराबाद जिला इंतजामिया की जानिब से रानी बाग में चार रोजा फूलों की नुमाइश का इनेकाद इफ्तिताह कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने किया। मजीद देखते हैं हैदराबाद से मजर अली जमाली की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में जिले इंतजामिया की जानिब से हैदराबाद के रानी बाग में चार रोजा फूलों की नुमाइश का प्रोग्राम किया गया। फूलों की नुमाइश की इफ्तिताह कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच, डीसी फवाद गफार सुमरो, एसी गदा हुसैन सुमरो ने किया। उन्होंने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा कि जी आज की ये फूलों की नुमाइश हमने जो है सो मौसम बहार की शुरुआत के हवाले से रखी है। जैसा आपके आपको पता है कि पूरा तकरीबन एक साल जो है कोविड के एक जो है सो बहुत ही जिसे कहते हैं सफोकेटेड माहौल में गुजरा है। तो इस हवाले से ये कोशिश थी कि जो है सो हैदराबाद के शहरियों को हम एक चेंज दें। हैदराबाद में ये डीसी साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया गया है, क्योंकि हैदराबाद जैसे शहर में इस तरह के प्रोग्राम होते नहीं हैं। सेकेंडली कोविड की वजह से जो फैमिलीज़ और जनरल पब्लिक इतनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, उस डिप्रेशन से कम आउट होने के लिए इस तरह का इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। तो आई थिंक इस तरह के प्रोग्राम्स आगे भी होने चाहिए। और हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा SOPs वगैरह का ख्याल किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि SOPs के अगेंस्ट। मुश्को अंबर है और ACUT हैदराबाद। और देखें COVID-19 के हवाले से, क्योंकि काफ़ी अरसे से लॉकडाउन चल रहा था, फिर स्मार्ट लॉकडाउन भी हमारे पास हुआ, तो इस तरह के उसमें SOPs के साथ ये प्रोग्राम होना बड़ा एक अच्छी अलामत है। और एक इससे एक पीस का मैसेज आता है कि हैदराबाद वाले बड़े मोहब्बत करने वाले भी हैं, अमन शांति वाले भी हैं। तो मैं समझती हूँ ये बड़ा एक अच्छा इवेंट रहेगा। और कि मौसम बहारां की जिस तरह आमद है, तो उन्होंने यहाँ पे ये हर साल हवाओं का शहर है हैदराबाद जो है, मोहब्बतों का शहर है, तो ये उन्होंने यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। काफ़ी अरसे से कोरोना की वजह से हम कुछ SOPs को यहाँ मेंटेन करेंगे, तो हमने कोई काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं हुए। आपने देखा कि बहुत सारे लोग डिप्रेस थे कि कोरोना था, उसकी वजह से सब घर में बंद थे क्योंकि अलाउ ही नहीं था बाहर जाना किसी को भी। तो ये बहुत अच्छा है, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा, क्योंकि 3 साल बाद मेरे ख्याल से हैदराबाद में हुआ है, तो मुझे काफ़ी खुशी है। मैंने देखा यहाँ पे, एंजॉय भी बहुत किया मैंने अपनी फैमिली के साथ। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा